गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एच के ब्लॉग 18। तो आज हम वीडियो शुरू करने वाले हैं एक हाईवे से जो कि जाता है सीधा माता के मंदिर, पावागढ़ नाम है, पावागढ़ नाम से प्रसिद्ध है माता का मंदिर। हम लोग आज जा रहे हैं पावागढ़। पावागढ़ के पास में ही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट चांपानेर, और मेरे साथ में है मेरा दोस्त सुजीत जो पिछली सीरीज में भी था, जो कि मैंने आपको बड़ौदा के इंटरनल ओल्ड सिटी दिखाया था। तो आज वापस हम लोग निकले हैं और हाईवे पे ही हैं। चलिए रास्ते में और मिल बात करते हैं। आज हम कहाँ पर हैं? हमारे पीछे है कैनल, ये गांव का नाम है खंडीवाड़ा, भैया ने बताया है पीछे खंडीवाड़ा गांव हलोल के पास में है, और ये सिंचाई के लिए जाता है पूरा पानी, कैनल है ये, नर्मदा कैनल। ये वही नर्मदा कैनल है, बैराज है उधर और लहरें देखो। पता नहीं दोस्तों आपको फिश दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बट हमको ओपन आई से बहुत अच्छी तरीके से फिश दिख रहे हैं यहाँ पे, और उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पानी की उल्टी डायरेक्शन में है। प्लान में हो गया है चेंज, और क्योंकि यहाँ पे पूरा पार्किंग फुल है और बाहर रोड साइड पे हम लोग गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर है, तो हम लोगों ने चाय पी है। ये चाय स्टॉल अपना, और ये पूरा अच्छे से बनाया हुआ है, बैठने का इंतज़ाम वगैरह पूरा है। तो अब हम लोग क्या लोग यहाँ से चल के आगे झंडा हनुमान है, बजरंगबली का मंदिर है, और आगे अपनी माता है, तो हम लोग आज पहले वो कवर कर रहे हैं, और फिर जब रिटर्न में आएंगे तब अगर टाइम मिलता है तो चांपानेर और फिर पावागढ़, क्योंकि पावागढ़ ऊपर जाने के लिए रोप वे है, और रोप वे में वहाँ उसमें भी टाइम वेटिंग टाइम है। तो देखते हैं कैसा करना है, अगर आज मौका मिल गया तो आज ही बनाएंगे। तो फ्रेंड चाय की तैयारी है, यहाँ पे चाय बनेगी। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी झंडा हनुमान, क्योंकि वहाँ पावागढ़ और चांपानेर में पार्किंग हो गई थी फुल, और ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं झंडा हनुमान जाते हुए। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं झंडा हनुमान, अब दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग ऊपर, तो दर्शन कर लेते हैं। अब पता नहीं है कि दर्शन के लिए वहां पे कैमरा लेके जा सकते हैं कि नहीं, जहां तक कैमरा लेके जा सकते होंगे मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे, ठीक है, मिलते हैं जल्दी।
बजा देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे जनमन हनुमान मंदिर जी के, बट ऊपर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा फुटेज वहाँ की, मतलब कोई भी फोटोग्राफ फुटेज वगैरह कुछ नहीं दिखा सकता। दर्शन अच्छे हुए, प्रसाद नीचे ही मिल जाता है। अभी मैं नीचे चल के आपको मार्केट भी दिखाता हूँ, पूरा जो मार्केट है यहाँ पे बना हुआ। फिर कैसा लगा के? मज़ा आ गया, एकदम शांत शांत है ना। चलिए मिलते हैं जल्दी। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं चोटी पर, यहाँ पर ये भगवान जी का मंदिर है, और मार्केट दिखा देता हूँ। ये पूरा मार्केट बना हुआ है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा, और मंदिर से लगते ही आपको अपने शू निकालने की जगह पर मिल जाएगी, प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी, भीम जी की चक्की है, अब देखते हैं ऊपर। ये सामने देखो आप, ट्रैक है, ये लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। देख लेते हैं कितना किलोमीटर का ट्रैक है, बट ये ट्रैक है। और मेरे पीछे है, आपको यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और पीछे मंदिर है वहाँ पर, और ये घने जंगल में आगे ट्रैक है। कितना किलोमीटर ऊपर हो गए? 10 किलोमीटर भाई मजाक करता है, 10 किलोमीटर ऊपर। ये जो भीम की घंटी है, घंटी का मतलब है इसमें गेहूं पीसा जाता था, और या जो भी पीसना है, मतलब आप ये देखो दो पार्ट हैं इसके नीचे, अगर आपको दिख रहा है तो। बाजू में देखो पूरा डेंस जंगल है, देखा। चारों तरफ यहाँ है भीम की घंटी है, और पूरा डेंस जंगल है इधर। जंगल है ना ये, पहले जहाँ से हम लोग मुड़े थे अंदर हाईवे से, अंदर जो रोड लिया था गांव के लिए, ये वहाँ से यहाँ तक पूरा जाम्बूघोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पे लोमड़ी और दूसरा जानवर, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वही ज़्यादातर पाए जाते हैं। जा रहे हैं फिर, ये क्या है? गोटा, गोटा मजिया भी बोलते हैं। ओके, और ये है आपकी बटा का डूंगे की सब्ज़ी, और मकई की रोटी, सफ़ेद मकई, और ये लहसुन की चटनी है, लहसुन की चटनी टेस्टी, और ये छाछ। ये गैस लगेगा, तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं झंडा हनुमान से पावागढ़। अभी पार्किंग के लिए खड़े हुए हैं, पिछले आधा घंटा हो चुका है पार्किंग के लिए। पुलिस वाले से बात हुई, पुलिस वाला बोल रहा है कि संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, 1000 कार की पार्किंग है, और आती हैं 5000, तो कहाँ खड़ी होंगी। तो इसीलिए जो गाड़ी आई हुई है वो जाएंगी, उसके बाद में हम लोग पार्क करेंगे। ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, तो लेट्स सी कि क्या चल रहा है, अभी देखते हैं। आगे मेरे आगे 3-4 गाड़ी और हैं, तो 3-4 गाड़ी होके फिर करते हैं काम। फिर एक बार गाड़ी पार्क हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक वीडियो को एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स गाड़ी कर दी है पार्किंग में, पीछे पार्किंग है पूरी, इस तरफ पीछे पार्किंग है। एंड तो अब जा रहे हैं हम लोग उड़न कटोला का टिकट लेने के लिए। उड़न कटोला है आपका मतलब रोप वे, आगे सुजीत जा रहा है। टिकट लेके रोप वे में लगेंगे 6-7 मिनट लगते हैं ऊपर जाने के। तो ऊपर पहुंच गए, और उड़न कटोला में जब बैठेंगे तब आपसे और बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखें आप अगर देख पा रहे हैं, तो सिर्फ 6 मिनट के अंदर रोप वे के अंदर लेके जाएंगे, यहाँ तक बाइक लेके आ सकते हैं।
और यहाँ से आपको ऊपर दिख रहा है माँ काली का पर्वत पावागढ़, और यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे सामने टिकट। हम लोग आ रहे हैं, ये आने का टाइम हो चुका है, बट हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि भीड़ कम मिलेगी और दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं पूरन पटोले में, सब लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। एंड भैया ने टोक दिया, मैंने मास्क नीचे किया हुआ था तो मास्क ऊपर करना है, और इसी तरीके से मास्क ऊपर रखना है हमेशा के लिए। तो मिलते हैं उड़न खटोले में डायरेक्ट। हमको लगा था कि भीड़ नहीं होगी, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। मौका भी है, दस्तूर भी है, और था उड़न खटोला है शुरुआत, देखो वहाँ से आ रहा है वो, और ये क्या है इधर, हम लोग इसी तरीके से जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अंदर ट्रॉली के अंदर, और ट्रॉली के अंदर बैठ के हम लोग सिर्फ दो जन हैं, क्योंकि हम लोग दो और बाकी सब फैमिलीज हैं, तो हम लोग इसमें सिर्फ दो जन को बिठाया है, और ये शुरू हो गया है हमारा सफर। आप ये देखें पढ़िया वाला, आपको पीछे से यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से सीधा हमको ऊपर जाना है। हमको लगेंगे 6 मिनट, 6 मिनट में हम माता के दरबार के जस्ट नीचे पहुंचेंगे। वहाँ से अराउंड 250 सीढ़ी रहती हैं माता के दरबार के लिए, वो चढ़ के जाना है और आप पहुँचेंगे सीधा माता के दरबार। और आपको मैंने अभी नीचे परमिशन ली थी टिकट विंडो पे शूट करने के लिए ये सब, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ कोई परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो आपकी जो शूट कर रहे हो किसी से उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि अलाउ कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर जगह पर अलाउ नहीं करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, क्या मस्त व्यू है। आपको थोड़ी धुंध है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट आप व्यू देखो, सब कुछ इस व्यू के लिए है, और अल्टीमेटली माता के दर्शन है, तो माता हमेशा आपको एक ऐसी जगह पे मिलेंगी जहाँ पे सब मन शांत हो जाता है। तो ऐसी जगह पे आके हमेशा आपका मन शांत होगा, कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ आपके दिमाग में माता के दर्शन के बाद चलेंगे। और जो मेरे वैसे ब्लॉगर्स हैं उनके लिए पहले वीडियो बनती है और आगे चल के हम लोग माता के दर्शन भी करवाएंगे आपको। ट्रॉली से बाहर आ गए और हम जा रहे हैं सीधा मंदिर ऊपर, और ऊपर घंटी बजाते हुए जय माता रानी ऊपर जाना है, ऊपर जाके दर्शन करवाते हैं आपको। मास्क बार बार नीचे आ जाता है, ये संभाल के चलना है। कैसा लगा तुझे? मज़ा आ गया। अच्छा, अब माता के दर्शन करने खाली, चलो अब माता के दर्शन पे जाते हैं। माता जी बोलना है, वापस घर जाना है। तो फ्रेंड्स, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आने के बाद आगे जूते निकालने वाले का स्थान है, पूरा मार्केट है ये, और आप देखो लोग वापस कितने आ रहे हैं, पूरी लाइन है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये उड़न खटोला में वापस जाने के लिए है, जैसे हम जहाँ आए थे तो कोई भी ज़्यादा लाइन नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा लाइन है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा वापस जाने में। हाँ
वो देखें माता का ध्वज ऊपर, और कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं। फ्रेंड्स हमने प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के बाद वहीं हमने शूज़ भी निकाल दिए, बात कर लिए और शूज़ की रखवाली भी कर लेंगे। और एक प्रसाद, एक जो प्रसाद का पूरा सेट है वो है आपका 50 रुपये का। 50 रुपये में नारियल, प्रसाद, सिंदूर और चूड़ी, चूड़ी नहीं है, चुनरी है। तो प्रसाद चढ़ाते हैं क्योंकि ऊपर माता के दरबार के अंदर पता लगे शूट नहीं कर सकते हैं, सीढ़ी पर शूट कर सकते हैं। सीढ़ी का आपको व्यू दिखाऊँगा। तो ये देखें, ये पूरा मार्केट है इस तरीके से। यहाँ पे पीछे व्यू पॉइंट है, वापस आएंगे तब दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी। माता के दरबार पहुँच गए हैं, बस माता के दर्शन में अराउंड आगे मेरे लोग 50 लोग जैसे हैं। और यहाँ पे बुलडोजर भी है, जेसीबी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ दर्शन करके वापस आ गए हैं। अब वापस टाइम आ गया है हम लोग रोपवे में बैठने का। तो रोपवे के लिए आप देख रहे हैं लाइन है अंदर पूरे, जिस तरीके से आपके आपको दिखाया था पहले वही। और हम लोग पीछे लाइन में खड़े होके आ रहे हैं एटलीस्ट घंटे भर से, एक घंटा हो चुका है। और एक बार रोपवे से उतर जाएं, गाड़ी में बैठें, गाड़ी निकालें पार्किंग में से, फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स रोपवे से आ गए हैं बाहर नीचे, अब जा रहे हैं पार्किंग में। ऑलरेडी डिले हो चुका है, जिस तरीके का प्लान था हमारा, प्लान में चापानेर इस बार नहीं कर पाए हैं क्योंकि पार्किंग फुल थी, शूटिंग्स के लिए अलग परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो सब नहीं थी परमिशन मेरे पास, तो शूट नहीं कर पाए, इसलिए जा भी नहीं पाए। एंड आगे से नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कहाँ जाके परमिशन लेनी है, तो वहाँ से परमिशन लेंगे। एंड नीचे भी स्टेप्स भी देखनी है, पता क्या अभी पैर मुड़ते मुड़ते। चलिए आपको मिलते हैं पार्किंग में फिर। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं पावागढ़ से, नीचे उतर रहे हैं। प्लेन रोड है ना, इतना एरिया प्लेन है, तो लोग दौड़ के नहीं आ जाए एकदम से, बहुत ठंड है। तो फ्रेंड्स हम लोग नीचे आ गए हैं पावागढ़ से, एंड काफ़ी टाइम लगा, बहुत अच्छा रहा जर्नी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसी बात पे एक लाइक, शेयर एंड कमेंट तो बनता है। कमेंट इसलिए क्योंकि आपके कमेंट के से मुझे पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव करना है और किस तरीके से वीडियो आगे बनानी है। टिल देन टेक योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी।